प्रयागराज में एक बार फिर चला योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले कई महीनों से अपराधियों के खिलाफ, गैंगस्टर्स के खिलाफ, भूमाफियाओं के खिलाफ एक अभियान चलाया है माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने, जिसके तहत जितने भी इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनकी अवैध रूप से अर्जित की गई जो भी संपत्तियां हैं उनको चिन्हित करके उनको गिराया जा रहा है। लेकिन आज जो प्रयागराज में हुआ उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह भी हो सकती है, ऐसा लोगों ने कयास लगाया। मैं बात कर रहा हूं चौक में कोतवाली अंतर्गत एक जगह है बताशा मंडी, उसमें एक इमाम बाड़े का मामला पिछले कई दिनों से चल रहा था, जिसमें सीबीआई की इंक्वायरी भी चल रही है। दो बार उसको सीज भी किया जा चुका है और आज अंतोगत्वा उसको गिरा दिया गया। ये कार्रवाई चली, इसके पीछे जो वजह है वो मैं बताने की कोशिश करूँगा और आप समझने की कोशिश करिएगा कि इसके पीछे खेल क्या है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दो दिन पहले एक बहुत बड़ी घटना इस देश में हुई जिसका बहुत लोगों ने विरोध किया और बहुत ही ज्वलंत इशू है, किसी एक धर्म के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश भी इसमें पीछे लग रही है। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे शख्स की जिसका नाम वसीम रिजवी है। ये वही वसीम रिजवी है जिसका नाम इस इमामबाड़े की प्रॉपर्टी के खिलाफ जो भी उसने साजिशें की थी, बेचकर वहाँ मार्केट बनवाई थी, इस वसीम रिजवी के खिलाफ सीबीआई ने एक एफआईआर लॉन्च की है। इसके खिलाफ पूरी कार्रवाई चल रही है, अभी लंबित है, आने वाले दिनों में इसके साथ क्या होता है ये देखना होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों में यह कयास ये भी लगाया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं वसीम रिजवी का जो दो दिन पहले बयान आया कि कुरान में 26 आयतें जो हैं वो आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं, कहीं इसके पीछे ये उसके कुकृत्य तो नहीं है जो उसने पिछले कई सालों से किया जब वो शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन था। जी हाँ, चेयरमैन रहते हुए वसीम रिजवी के ऊपर आरोप है कि उसने कई वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को इसी तरीके से बेचा और उससे बहुत मोटा पैसा उसने कमाया और दूसरों को भी खिलाया होगा। ये तो खैर सीबीआई की इंक्वायरी में सामने आएगा, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आज उस इमामबाड़े को गिरा दिया गया। हालांकि उस इमामबाड़े की जो भी मार्केट थी, ऐसा कहा जाता है कि जितनी दुकानें बनी थी उन सबको बेच दिया गया था, यानी किराए पे नहीं, खरीदारों ने एक मोटी रकम देके खरीदा था। जो बेचने वाले लोग थे वो फायदे में हैं, खरीदने वाले घाटे में हैं। हम सरकार से मांग करेंगे इसकी पूरी इंक्वायरी हो और कम से कम आम जनों को जो दिक्कत हो रही है वो ना हो। इसी सिलसिले में मैंने अपने बहुत अच्छे दोस्त हैं, समाज सेवी हैं और राजनीतिज्ञ भी हैं, तारिक सईद अज्जू साहब से भी बात की। मैंने जानना चाहा, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, तो हम देखते हैं वो वसीम रिजवी का जो इन्वॉल्वमेंट है इस केस में उसके बारे में उनको कितना पता है। तारिक भाई कुछ बताइए, वसीम रिजवी ने जिस तरह से दो दिन पहले इस तरह का बयान दिया है, कहीं उसका कोई ऐसा तो मकसद नहीं है कि यहाँ इस तरह की कार्रवाई से डाइवर्ट किया जाए या कुछ ऐसी बात हो? आप थोड़ा सा इस पर रोशनी रखें। मुझे जैसे ही ये पता चला कि वसीम रिजवी ने हमारी पाक कुरान की 26 आयतों के बारे में सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दाखिल की है और उस रिट में जो गलत बयानी करके और सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह करके जिस तरीके से उसने रिट में मांग किया है कि कुरान की 26 आयतें नऊज़ बिल्लाह गलत हैं, जिसको कि पूरा हिंदुस्तान, दुनिया, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया का मुसलमान ये मानता है कि हमारी पाक कुरान में कोई भी चीज़ गलत नहीं है। पाक कुरान अच्छी नसीहतों के लिए बनाया गया है, ना कि ख़राब नसीहतों के लिए। लेकिन ये गंदा आदमी, ये जलील आदमी जिसने इस तरीके के बयान दिए हैं या कोर्ट में दाखिल किया है, मैं सर्वप्रथम आपके माध्यम से कोर्ट से आग्रह करूँगा कि ऐसी धार्मिक उन्माद फैलाने वाली जो शक्तियाँ हैं उसको आपके द्वारा, जो आपके कंधे पर रख के बंदूक खेला जा रहा है, उसको तत्काल उसकी याचिका खारिज की जाए। अब रहा सवाल वसीम रिजवी का। वसीम रिजवी उस शख्सियत का नाम है जिसको मैं कितने गलत शब्दों में और कितने निंदनीय शब्दों में, कितने ख़राब शब्दों में उसका नाम लूँ, वो नाम लेने लायक व्यक्ति नहीं है। उस वसीम रिजवी की मैं फर्स्ट डे से ही समझ गया था कि जो ये कुरान के संबंध में जो याचिका, कुरान की आयतों के संबंध में जो याचिका दाखिल की गई है, वो सिर्फ़ और सिर्फ वसीम रिजवी की अपनी करतूतों को बचाने के लिए उसने ये काम किया है। और सरकार में कुछ ऐसे बैठे लोग जो आरएसएस की पद्धति में चलते हैं, उनको खुश करने के लिए भी ये काम किया है। हमारे इलाहाबाद में प्रयागराज के, जो अब प्रयागराज हो गया है,
उसके बहादुरगंज मोहल्ले में एक इमामबाड़ा हुआ करता था। उस इमामबाड़े की वक्फ बोर्ड जो है वो सिया वक्फ बोर्ड उसकी देखभाल करता था। सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी हुआ करते थे, जो आज के समय में नहीं है, इसी कारण से वो हटाए भी गए हैं। उसमें सीबीआई जांच हुई थी, इसने मिल करके कई लोगों से पूरी प्रॉपर्टी को बेच डाला था और बेच करके उस पैसे को हजम कर लिया था। वो सरकारी संपत्ति, वो वक्फ की संपत्ति थी, वक्फ की संपत्ति किसी का अधिकार नहीं है बेचने का, किराया पर दिया जा सकता है। जैसे कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के अंतर्गत किराए पर बहुत सी वक्फ की संपत्तियाँ हैं, वक्फ की संपत्तियाँ बेची नहीं जाती हैं। वक्फ की संपत्तियों को बेचने का कोई अधिकार किसी नियम में नहीं, चाहे वो सिया वक्फ बोर्ड हो और चाहे वो सुन्नी वक्फ बोर्ड हो। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि किस कारण से, किसकी मिली भगत से उस वक्त के मौजूदा शासन, उस वक्त के मौजूदा अधिकारियों से मिल करके कैसे इसको बेचा गया, कैसे रजिस्ट्रियाँ हुई, कैसे हुई, ये सब जांच का विषय है। लेकिन अंतोगत्वा मामला सिर्फ इतना है कि वसीम रिजवी बिल ढूंढ रहा है, तरह तरह के बिल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है कि मेरी किसी तरीके से यहाँ जो सीबीआई द्वारा उसको मेन एक्यूज बनाया गया इस सिया वक्फ बोर्ड की संपत्ति के लिए, और जो उसके खिलाफ कोतवाली थाने में भी मेरी जानकारी अनुसार वहाँ FIR है और जिसको मामला सीबीआई ने ले रखा है, उस सीबीआई की जांच से, उस सीबीआई के जांच में दोषी पाए जाने के बाद वो अपनी जान बचाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। इसी के तहत उसने इस रिट को दाखिल किया है, जिसकी हम घोर शब्दों में निंदा करते हैं। और मैं भारत के प्रधानमंत्री से आपके माध्यम से मांग करता हूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि आप दोनों लोग एक बड़े पद पर बैठे हैं और इस गंदे व्यक्ति को भारत के जनमानस के अंदर, जो हमारी हिंदू मुस्लिम एकता की जो मिसाल है, हमारी गंगा जमुना तहजीब की जो मिसाल है, उसको खत्म करने से रोकने के लिए ऐसे व्यक्ति को तत्काल से तत्काल सीबीआई जांच करके और जल्दी से जल्दी इसके खिलाफ ऐसा मुकदमा तैयार करें, इसके खिलाफ चार्जशीट करें कि ये तत्काल जेल के अंदर जाए और जेल के शिक्षों से कभी ये बाहर ना आए, ये मेरी मांग है। तारिक भाई, आपका बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। लेकिन मैं कंक्लूजन ही करना चाहूँगा, जिस तरह से आपका गुस्सा देखा मैंने, ये आपका नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान में बहुत लोगों को ये गुस्सा है, क्योंकि इस तरह की हरकतें देश में कहीं ना कहीं अशांति की व्यवस्था फैलाती हैं। तो बात ये है कि इस खिलाफ क्या किया जाए, क्या कार्रवाई की जाए। और लोगों से मैंने आज दिन में बात की थी, बहुत से लोगों का ये कहना था कि इसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा कायम किया जाए और इसको उम्र कैद दी जाए, क्योंकि ऐसे इंसान को जीने का कोई भी हक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मैं बताता चलूं कि तमाम शिया धर्म गुरु ने इसके बयान पे बहुत भर्त्सना की है और ये भी डिक्लेयर किया है कि ये मुर्तद है। मुर्तद यानी उसको इस्लाम से खारिज किया जाता है, आज के बाद ये मुसलमान नहीं है। ये शिया धर्म गुरुओं का बहुत ही अच्छा बयान, आज कल से आज तक में कई ऐसे बयान आए जिसमें इसकी भर्त्सना की गई है। रही बात, फिर किसी दिन एक इसी टॉपिक पे मैं आप लोगों के सामने आऊँगा, फिर हम बात करेंगे क्या सही था क्या गलत था। नमस्कार, जय हिंद। आज की जो कार्यवाही हो रही है वह अवैध वक्त इमामबाड़ा की ज़मीन पर इमामबाड़े को हटा करके कमर्शियल उपयोग हेतु जो निर्माण प्रारंभ किया गया था उसके विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है। यह वक्फ बोर्ड की संपत्ति, हाँ, यह वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और इमामबाड़ा की ज़मीन है। इमामबाड़ा इसमें चलता था, इमामबाड़ा था जिसको अनैतिक रूप से जो है, अवैध रूप से जो है लेकर के करके कमर्शियल उपयोग के लिए निर्माण प्रारंभ किया गया है। सर, निर्माण की पहले सील भी की जा चुकी है, सील, हाँ, दो बार इसको सील किया गया, जब निर्माण के दौरान प्राधिकरण द्वारा समय समय पर नोटिस जारी करते हुए अन्य कार्रवाइयाँ की गई, उसके बावजूद भी जब नहीं रोका गया तो ध्वस्तीकरण आदेश पारित करते हुए आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। इसके पहले FIR भी दर्ज कराया गया है और अभियोजन की भी कार्रवाई, मुकदमे की भी कार्रवाई प्राधिकरण द्वारा की गई है। और ये इस संपत्ति से हमारे पूर्व सांसद जो है अतीक अहमद का भी संलिप्तता है इसमें, उनका भी इसमें, उनसे भी संबंधित है, उनके द्वारा इसमें
दबाव बना करके इसको मेटलाइज करा करके अपने ठेकेदार आदि के द्वारा बनवा करके लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जा रहा था, और संज्ञान में आने पर इसमें प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही समय समय पर की गई है। आज संपत्तियां जो वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उसके संबंध में लोग इस कमेटी के लोगों ने शिकायत किया विभिन्न स्तरों पर, जिस पर संज्ञान लेते हुए संपत्ति अंतरण के मामले में सीबीआई जांच भी सेटअप है जो की जा रही है, लेकिन वह मामला अलग है। प्राधिकरण का मामला केवल अवैध निर्माण से संबंधित है और अवैध निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। जहां तक इसमें माफिया और गैंगस्टर का के सम्मिलित होने का मामला है, इसमें सरकार के निर्देश के अनुरूप, सरकार की मंशा के अनुरूप जो कार्यवाहियाँ लगातार प्रदेश में की जा रही हैं उसके क्रम में यह अधिक गैंग के विरुद्ध जो कार्रवाई की जा रही है, ऐसे लोगों के विरुद्ध जो लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही है उसमें 98वीं कार्रवाई है, और यह 500 स्क्वायर मीटर में निर्मित है, और इसकी कीमत जो यहाँ जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार लगभग 10 करोड़ के लगभग आंकी जा रही है। सर, ये ऐतिहासिक झूला उठता है यहाँ से मुहर्रम कमेटी का, ये डेमोलेशन के पास यहाँ से झूला जो उठता है वक्फ बोर्ड की, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, संपत्ति वक्फ बोर्ड की है और इमामबाड़े की है, उसके रूप में उसके लिए उपयोग में आना चाहिए, अच्छी बात है, उसके जिसकी संपत्ति है वह उसका उपयोग करे। आपका परिचय? मैं आलोक कुमार पांडे, विशेष कार्याधिकारी प्रयागराज विकास प्राधिकरण।